माई गोव डेली डाइजेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 7 जून, बीते हुए हफ्ते में कोरोना के केसेस में लगातार कमी देखी गई है। यही ट्रेंड बीते वीकेंड में भी दिखाई दिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जारी किए गए नए अपडेट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में लगभग 1,00,000 नए कोविड केसेस दर्ज किए गए। आपको ये बता दें कि अप्रैल में आई सेकेंड वेव में ये पिछले 61 डेज के सबसे कम डेली एक्टिव केसेस हैं। वहीं पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस के साथ अनलॉक की प्रक्रिया को दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र तक बढ़ाया जा रहा है। आप अनलॉक से जुड़ी सारी जानकारियां, ट्रैवल से जुड़े SOPs और कोविड से जुड़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं mygov.in पर। कोविड से जुड़ी अन्य खबरों में 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। याद रखिए, अनलॉक के साथ जरूरी है सावधानी, कोविड प्रोटोकॉल्स का करें पालन, जरूरी हो तभी बाहर जाएं, बेसिक हाइजीन का रखें ध्यान और डबल मास्क के साथ अपने और अपने परिवार की करें सुरक्षा। इसी दौरान आपको ये भी बता दें कि ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करते हुए इंडियन रेलवेज ने अभी तक करीबन 26,000 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को 1500 टैंकरों द्वारा भारत के 15 राज्यों में पहुंचाया है। भारतीय रेलवे के साथ साथ वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 90,00,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को विदेश से भारत वापस सुरक्षित लाया गया है। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के अपने प्रयत्न में 6 जून को लगभग 3,400 लोगों को भारत सुरक्षित पहुंचाया गया। कोविड के इस दौर में टैक्स पेयर्स को भी मिली है बड़ी राहत। अब टैक्स पेयर्स को रिफंड के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार। आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया पोर्टल incometax.gov.in होगा ज्यादा यूजर फ्रेंडली, जिससे IT रिटर्न फाइल करने में भी आसानी होगी और रिफंड भी जल्दी मिलेगा। सभी ट्रांजैक्शन, अपलोड और पेंडिंग एक्शन एक ही डैशबोर्ड पर दिखेंगे, ताकि यूजर्स उसे रिव्यू कर सकें और जरूरत के हिसाब से एक्शन ले सके। फिलहाल MyGov डेली डाइजेस्ट में इतना ही। आप अपने सजेशंस, फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं MyGov, फेसबुक, ट्विटर और कूपर। अन्य खबरें, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और आधिकारिक जानकारियों के साथ हम आपसे मिलेंगे कल। MyGov डेली डाइजेस्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।